नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MKG नर्सिंग क्लासेस में। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छी है। वो जो यूपी की वैकेंसी आई है कि कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल, ठीक है, लखनऊ से यानी उत्तर प्रदेश से जो वैकेंसी आई है नर्सिंग विभाग की और भी हेल्थ डिपार्ट से आई हैं, लेकिन हम लोग नर्सिंग से रिलेटेड बात करेंगे कितनी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल, ठीक, लखनऊ से, तो कितनी वैकेंसीज आई हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है और कैटेगरीज वाइज कितनी वैकेंसी है। जो टोटल वैकेंसीज़ हैं, ठीक, वो हैं 315, बट हमें अब नर्सिंग से बात करनी, नर्सिंग ऑफिसर की कितनी वैकेंसीज आई हैं तो वो बात करते हैं। जो ये एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा कंप्यूटर बेस्ड, ठीक, CBT एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ, इसके बाद में इसकी वैकेंसी का फॉर्म जो आ गई हैं, ठीक, इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, लगभग इसमें एक्सपेक्टेड डेट बताया गया है कि 1-2 कब होगा, जनवरी लास्ट वीक तक ये फॉर्म फिल होने लगेगा, ठीक है। और इस पोस्ट की बात करते हैं, कितनी पोस्ट आई हुई है, ये और भी डिपार्ट की है, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी। हमें नर्सिंग से बात करनी है तो नर्सिंग की कितनी वैकेंसीज आई हैं, वो है टोटल पोस्ट 264 है। इसमें SC की कितनी सीट है, जनरल की सीट कितनी है, तो जनरल कैटेगरी की सीट है 106, ये हो गया जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी की, और ये EWS की है। 71 सीट है वो OBC की सीट है, 5 जो है वो ST की सीट है, और जो 56 सीट है वो है SC की सीट है, ठीक। इसके बाद में आगे देखते हैं जो एडवर्टाइजमेंट जो निकला हुआ है, ठीक, उसके हिसाब से ये जो पोस्ट हैं वो डिक्रीज और इंक्रीज भी की जा सकती हैं। और इसका जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है वो cancerinstitute.edu.in, इससे ये एडवर्टाइजमेंट आप डिटेल में भी देख सकते हैं वहाँ से डाउनलोड करके। और इसके बाद में एग्जामिनेशन शेड्यूल और सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन, अदर इंफॉर्मेशन जो है वो इस वेबसाइट पर आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है, जब फॉर्म भर जाएगा उसके बाद। इसके अलावा और भी अदर कोई भी क्वेरीज या असिस्टेंट या फिर क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग ये जो एडवर्टाइजमेंट आया है उससे रिगार्डिंग चाहिए तो डेस्क ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ठीक, प्रोवाइड कर दिया गया है। कौन सी, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन कॉल करके हेल्पलाइन नंबर होता है वहाँ से ले सकते हैं। और ये जो है ऑनलाइन मोड से ही एक वो एग्ज़ाम फॉर्म जो है भरा जाएगा, ठीक। बात कर लेते हैं अब फीस, ये एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है, तो UR कैटेगरी की कितनी है 1000 है, बट GST को इंक्लूड करके टोटल कितनी है 1180 रुपये। OBC EWS की भी 1180 है, SC ST की कितनी है 708 रुपये है। और इसके बाद में एक ये फॉर्म भरते समय जरूर याद रखना कि ये जो पोस्ट है, ठीक, पोस्ट कोड दे के रखा होगा साइड में, वो देख लेना पोस्ट कोड, ठीक, वो भरना वो बहुत मैंडेटरी है। अगर ये आप नहीं करते हैं तो इसलिए आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए वो पोस्ट कोड को जरूर ही आपको टिक करके रखना है। फॉर्म भरते समय आप अपना चॉइस ऑफ सिटीज़ का प्रेफरेंस भी डाल सकते हैं, कौन सी सिटीज़ में आपको एग्ज़ाम देना है। अब बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, फॉर्म फिल करते समय क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। BSc, ठीक, BSc नर्सिंग होना चाहिए। इसके अलावा जो पोस्ट BSc हो गया, पोस्ट BSc के साथ में आपके साथ में रजिस्टर्ड नर्स यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो होना चाहिए। अब बात करते हैं, ये BSc के लिए हो गया, पोस्ट BSc के लिए, और ये बात करते हैं JNM के लिए। JNM के लिए क्या है, 2 ईयर एक्सपीरियंसेस इन अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। आपको क्या है JNM के लिए, ठीक, 2 ईयर का एक्सपीरियंस कौन सा मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, तब आप JNM वाले फॉर्म को फिल अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, ठीक, और किससे कितना क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें। ये है, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वो CBT मोड पे होगा, ठीक, और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, और कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे यानी 100 मार्क्स के, ठीक है। और इसके अलावा आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से कितना आएगा, 60 मार्क्स आएंगे नर्सिंग सब्जेक्ट से। इसके अलावा नॉन नर्सिंग का जो है, ठीक, वो उससे कितने, जैसे जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल इंग्लिश से कितने आएंगे, 10 मार्क्स आएंगे।
और जनरल नॉलेज से कितने नंबर आएंगे, ठीक 10 मार्क्स का आएगा, और रीजनिंग से भी 10 मार्क्स आएंगे, और मैथ से भी 10 मार्क्स आएंगे। ये आपका सिलेबस है ठीक कल्याण सिंह सुपर स्पेशली हॉस्पिटल का। इसके बाद में देखते हैं कि इसमें माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग कितनी है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 ठीक, एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके कितने कटेंगे 1/3। और कितनी क्वालिफिकेशंस होती है, जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50% चाहिए और एसटी और एसटी के लिए 45% चाहिए।